तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल और सूर्य के गोचर परिवर्तन में। 15 मार्च 2022 को सूर्य देव कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे और मीन राशि में सूर्य देव रहेंगे 14 अप्रैल 2022 तक। तो मीन राशि में सूर्य देव का ये गोचर सभी राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है उस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूर्य का परिचय बिल्कुल शॉर्ट में मैं आप लोगों के सामने रख दूं। सूर्य को ज्योतिष में पिता का और राजा का कारक माना जाता है और सूर्य को आत्मा का भी कारक माना जाता है। ज्योतिष मत के अनुसार सूर्य देव इस जगत की आत्मा है और व्यक्तिगत तौर पे यानी व्यक्तियों के लिए सूर्य देव स्थिर आत्म कारक है। सूर्य रोगों की प्रतिकार क्षमता का कारक भी है। मन की पवित्रता, ज्ञान का उद्गम स्थल सूर्य देव का रत्न माणिक्य होता है और मेष राशि में सूर्य देव 10 डिग्री तक उच्च के और तुला राशि में 10 डिग्री तक नीच के होते हैं। सिंह राशि में सूर्य देव मूल त्रिकोण के कहलाते हैं। सूर्य अगर जन्म कुंडली में कमजोर हो तो जातक की हड्डी बार बार टूटती है, अपमानजनक स्थितियों का उसे बार बार सामना करना पड़ता है। सूर्य कमजोर हो तो नेत्र रोग की संभावना भी बनती है और सरकारी कर्मचारियों से एक अनजाना भय बना रहता है। सूर्य देव के 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, और सूर्य की धातु है सोना। मतांतर से तांबा भी सूर्य की धातु कहलाता है। अनाज में गेहूं, रंगों में लाल वस्त्र का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। सूर्य देव का इस बार का गोचर यानी सूर्य देव का मीन राशि में गोचर ज्यादातर राशियों के लिए काफी लाभजनक रहने वाला है। 19 मार्च से लेकर 30 मार्च के मध्य आप गौर से सुनते रहिए कि किस किस राशि के लिए सूर्य का ये गोचर ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ये विशेष फल मैं आपको अलग से बताऊंगा, यानी हर राशि के साथ बताता चलूंगा सूर्य का विशेष फल, लाभजनक फल किस राशि को मिलेगा, आप सुनते रहें। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर द्वादश भाव में होगा और द्वादश भाव में सूर्य देव का गोचर कष्ट, वृद्धि, धन हानि, नींद की कमी और विवाहित जीवन में तनाव देगा। विदेश यात्रा का योग भी आपका बन रहा है इस गोचर के दौरान, विशेष करके उच्च शिक्षा से संबंधी यात्रा का योग बन रहा है। शुरुआत में खर्च की अधिकता आपको सता सकती है, मानसिक तनाव भी इस वजह से वृद्धि प्राप्त कर सकता है। पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और पदोन्नति तथा प्रमोशन के योग बन रहे हैं। 19 मार्च से लेकर 30 मार्च के मध्य पदोन्नति का योग आपका बन रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। 31 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या, लेकिन नौकरी तलाश रहे हैं अगर आप तो आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको लोन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का योग बना हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ होने का योग भी बना हुआ है, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या कोई अगर आपको आएगी तो आप स्वस्थ भी जल्दी ही हो जाएंगे, इच्छा पूर्ति के योग भी बन रहे हैं आपके लिए। मेष राशि के जातकों के लिए विशेष फलादेश जो इस गोचर के दौरान है, 19 मार्च से 30 मार्च के मध्य मीडिया जगत से जुड़े लोगों के लिए सफलतादायक समय रहेगा। अभिनय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सम्मान वृद्धि का योग बन रहा है। फिल्मी जगत में जो हैं उनके लिए ये समय
काफी उल्लेखनीय रहने वाला है। अगर इस दौरान किसी भी अभिनेता की फिल्म रिलीज होने वाली है और उसकी मेष राशि है तो उसके सफलता के चांस जो है 90-95% तक बन रहे हैं। हाँ, अवैध संबंधों से आपने थोड़ा बच के रहना है। सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। मेष राशि के जातक सूर्य का दान कतई ना करें। ये विशेष करके मैंने उल्लेख कर दिया आपके लिए, द्वादश में सूर्य देखकर सूर्य का दान मत कर बैठिएगा, नहीं तो जो लाभजनक फल मैंने बताए हैं वो सभी उस दान के साथ ही पानी में चले जाएंगे। चलिए देखते हैं वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर क्या फल लेकर आ रहा है। तो वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर एकादश भाव में होने वाला है। एकादश भाव में सूर्य देव का गोचर आर्थिक लाभ और धन लाभ के योग बनाता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ होने वाला है इस गोचर के दौरान। 15 मार्च से 19 मार्च के मध्य धन संबंधी मामले में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। 19 मार्च से 30 मार्च के मध्य धार्मिक क्रियाकलाप में वृद्धि, उच्च शिक्षा में सफलता, कर्मस्थल पर सामयिक विरति, लंबी दूरी की यात्रा, धर्म कर्म ज्योतिष पूजा पाठ से जुड़े हुए लोगों के लिए सफलतादायक समय ये रहने वाला है। 31 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य प्रेम संबंधों में सफलता, संतान संबंधी खुशखबरी, सरकारी नौकरी से लाभ, पद प्राप्ति, सेविंग्स में वृद्धि, शेयर मार्केट से लाभ के योग बन रहे हैं। वृष राशि के जातकों के लिए विशेष फल इस गोचर के दौरान जो मिलने वाला है, उच्च शिक्षा में आपको काफी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आध्यात्मिक स्तर आपका बहुत ऊपर जा सकता है। पदोन्नति के साथ तबादले का योग भी बन रहा है, यानी तबादला जो होगा वो आपको पदोन्नति के साथ होगा। और ये पदोन्नति और तबादला होने का योग 19 मार्च से 30 मार्च के मध्य बन रहा है। गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप वृष राशि के जातक करें, उनके लिए ज्यादा लाभजनक रहेगा। मिथुन राशि के मित्रों के लिए सूर्य देव का गोचर होगा दसम भाव में सूर्य देव का गोचर कार्य सिद्धि करवाता है, सम्मान वृद्धि, पद प्राप्ति के योग बनाता है। पिता के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, धार्मिक स्थल पे जाने का योग, गोचर की शुरुआत में ही लंबी दूरी की यात्रा पे जाने का योग बन रहा है। 19 मार्च 2022 से 14 अप्रैल 2022 के मध्य कर्म स्थान पे सम्मान हानि का योग आपका बन रहा है। भाग्यहीनता अनुभव करेंगे इस समय के दौरान। 31 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य भाग्य की सहायता, उच्च शिक्षा में सफलता, लेकिन माता का स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस गोचर में जो विशेष फल मिलने वाला है वो आपके छोटे भाई बहनों की उन्नति का योग बन रहा है। आपके खुद के लिए ये समय थोड़ा कठिन रह सकता है। यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, खास करके 19 मार्च से 30 मार्च के मध्य। मिथुन राशि के जातक शनि देव का मंत्र जाप करें, ओम शं शनिश्चराय नमः। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का विचरण होगा नवम भाव में सूर्य देव का विचरण बहुत बेहतर फल नहीं देता। पिता के साथ मनमुटाव के योग बनते हैं। गोचर की शुरुआत में भाग्यहीनता का योग बन रहा है आपके लिए। नए योगा योग होंगे उसके बाद। अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग बनेगा। ससुराल पक्ष से आपको मदद मिलेगी। राजनीति में सफलता के योग बन रहे हैं। 31 मार्च से 14 अप्रैल 2022 के मध्य भाग्यहीनता, अपमानजनक स्थितियों का सामना और
यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत दिख रही है। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करें, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अपमानजनक स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। छोटे भाई या छोटी बहन के, विशेष करके छोटी बहन के प्रेम प्रसंगों के कारण आपको समाज में अपमानित होना पड़ सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए इस गोचर में जो विशेष फल है, व्यवसाय में आप इन्वेस्ट करेंगे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप व्यवसाय में करने जा रहे हैं और इससे आपको काफी लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। आपके व्यवसाय में काफी लंबे समय से चली आ रही समस्याएं खत्म होती नजर आने वाली हैं। और ये इन्वेस्टमेंट का विशेष समय 19 मार्च 2022 से 30 मार्च 2022 के मध्य ही है, इस तारीख को याद रखिएगा। बुध का मंत्र जाप करें कर्क राशि के जातक, किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए। गाय को हरा चारा आप खिला सकते हैं, गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपकी समस्या थोड़ी कम होगी। किसी हिजड़े को अगर आप दान कर सकते हैं इस वक्त तो कर दीजिए। हरे रंग की साड़ी, हरी चूड़ियां लेकर आप एक किसी हिजड़े को दान कर सकते हैं, किसी एक को। बुध का मंत्र जाप करें ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शह बुधाय नमः। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का विचरण होगा अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य देव का विचरण अपमानजनक स्थितियों के सामने आपको खड़ा कर सकता है, अकेलेपन का शिकार आप हो सकते हैं। हालांकि नए योगा योग होंगे, दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव होने के बावजूद बॉन्डिंग बनी रहेगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग और समझदारी आप दोनों पक्ष दिखाएंगे। दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन होने का योग बन रहा है। 19 मार्च 2022 से लेकर 30 मार्च 2022 के मध्य आपका स्वास्थ्य बिगड़ने का योग बन रहा है। 31 मार्च से 14 अप्रैल 2022 के मध्य धन लाभ, व्यवसाय से लाभ, नए योगा योग और राजनीतिक क्षेत्रों में आपको लाभ, यानी अगर आप राजनीति में सक्रिय हैं तो आपके विरोधियों के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप करने में कामयाब रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए जो विशेष फलादेश इस गोचर में है वो ये है कि नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके व्यवसाय में उन्नति होगी, काफी दिनों से जो इच्छा आपके मन में पल रही थी वह सूर्य के इस गोचर के दौरान पूरी होने जा रही है। सूर्य का मंत्र जाप करें सिंह राशि के जातक, ओम श्री सूर्याय नमः, और सूर्योदय से पहले उठें और सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का विचरण सप्तम भाव में होने जा रहा है और सप्तम भाव में सूर्य देव का विचरण व्यवसाय में लाभ और हानि दोनों देने के योग बनाता है। जन्म कुंडली में अगर सेपरेटिव दशा अंतरदशा आपकी चल रही है, यानी शनि की महादशा अंतरदशा है या सूर्य की महादशा अंतरदशा है या राहु केतु मंगल जैसे ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो दाम्पत्य जीवन में आपके लिए इस वक्त काफी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन आपका तनाव भरा हो सकता है। गोचर की शुरुआत में ही दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन का योग बन रहा है। 19 मार्च से लेकर 30 मार्च 2022 के मध्य साझेदारी के काम से लाभ, स्वास्थ्य लाभ और व्यवसाय में धन लाभ के योग बन रहे हैं। 31 मार्च से 14 अप्रैल 2022 के मध्य दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, और यह सेपरेशन कर्म संबंधी सेपरेशन होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, विशेष करके अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपका स्वास्थ्य भी इस दौरान बिगड़ सकता है।
कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष फलादेश इस गोचर के दौरान जो है वो ये है कि विदेश व्यापार से अगर जुड़े हुए हैं आप, तो आपको काफी उन्नति होने के योग बन रहे हैं। विदेश व्यापार यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको काफी लाभ होने का योग बन रहा है। बुध का मंत्र जाप कन्या राशि के जातक करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शह बुधाय नमः। तुला राशि के मित्रों के लिए सूर्यदेव होंगे छठे भाव में, छठे भाव में सूर्यदेव का विचरण धन लाभ यानी आर्थिक लाभ का योग बनाता है। शत्रु नाश भी करता है सूर्यदेव का छठे में विचरण, यानी आपके शत्रु कमजोर होंगे। गोचर की शुरुआत में स्वास्थ्य लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में सफलता के योग बन रहे हैं। 19 मार्च 2022 से 30 मार्च 2022 के मध्य प्रॉपर्टी से संबंधी काम में आपको लाभ का योग बन रहा है। कृषि क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो लाभजनक समय ये है आपके लिए। माता के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में ब्रेकअप का योग बन रहा है तथा शेयर मार्केट से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन ये समय आपके लिए उन्नति वाला भी रहने वाला है, ये मैं विशेष फलादेश में आपको बताने जा रहा हूं। 31 मार्च 2022 से 14 अप्रैल 2022 के मध्य प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी आपको। स्वास्थ्य लाभ के योग बनते हैं। भाग्य की सहायता तथा उच्च शिक्षा में सफलता के योग भी बन रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए विशेष फल जो है इस गोचर के दौरान आपको प्रॉपर्टी का लाभ होने वाला है। एग्रीकल्चर के कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही विशेष लाभ का समय ये है। प्रचुर धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं आपको, यानी आपकी उम्मीद से ज्यादा धन के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कृषि से जुड़े हुए मैकेनिकल चीजें, पंप ट्रैक्टर इत्यादि का बिजनेस है तो आपके लिए लाभजनक है। ऑटोमोबाइल, मोबिल, तेल, पेट्रोल पंप, डीजल, इन सब कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए लाभजनक समय है। सरसों के तेल का अगर आपका बिजनेस है तो भी ये समय आपके लिए लाभजनक है। 19 मार्च 2022 से 30 मार्च 2022 के मध्य आपके लिए काफी धनदायी समय रहने वाला है। उपयोग कीजिए इस समय का आलस त्याग कर। बुध का मंत्र जाप आप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शह बुधाय नमः। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य देव पंचम भाव में विचरण कर रहे हैं। पंचम भाव में सूर्य देव का विचरण धन के नुकसान का योग बनाता है आपके लिए। कर्म स्थान पे आपको परेशानियां और काम धंधा छूट जाने का योग भी आपका बनता है सामयिक तौर पे। आपकी जन्म कुंडली की दशा अंतरदशा अगर अच्छी नहीं चल रही है तो प्रेम संबंधों में ब्रेकअप गोचर की शुरुआत में ही होने के योग बन रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट से आपको विशेष लाभ का योग भी बन रहा है। 15 मार्च से 19 मार्च के मध्य, 19 मार्च से 30 मार्च 2022 के मध्य वासस्थान में परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। नए योगा योग होंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। सरकारी कामों में आपको लाभ के योग बन रहे हैं। 31 मार्च 2022 से 14 अप्रैल 2022 के मध्य जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ, अगर प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए लाभजनक रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष फल नौकरी में पदोन्नति, नौकरी में तबादला पदोन्नति के साथ होने के योग बन रहे हैं। सरकारी कामों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काफी लाभजनक रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातक भी बुध का मंत्र जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शह बुधाय नमः। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर चौथे भाव में होने जा रहा है। चौथे भाव में सूर्य देव का गोचर माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, परिवार की सुख शांति में विघ्न डालता है। गोचर की शुरुआत में ही वासस्थान के परिवर्तन के योग और छोटी यात्रा तथा नए योगा योग होने के योग बन रहे हैं। 19 मार्च से 30 मार्च 2022 के मध्य
प्रॉपर्टी के कामों से लाभ, माता का लाभ, सेविंग्स में वृद्धि के योग बनते हैं। 31 मार्च 2022 से 14 अप्रैल 2022 के मध्य छोटी यात्रा, वासस्थान में परिवर्तन, व्यवसाय से संबंधी यात्रा तथा सरकारी कामों से लाभ का योग आपका बन रहा है। प्रमोशन होने के योग भी बनते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए विशेष फल जो है, उच्च शिक्षा में आपको जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं। और इस वक्त जो सफलता मैं बोल रहा हूं, इसे आप प्रचंड सफलता मानकर चलें, क्योंकि उच्च शिक्षा में सफलता तो मैं यूं भी बोलता रहता हूं, लेकिन इस बार उच्च शिक्षा में आपको प्रचंड सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, यानी उल्लेखनीय सफलता आपको मिलेगी। धर्म कर्म पूजा पाठ ज्योतिष के क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी काफी लाभजनक और उन्नति कारक समय ये रहने वाला है, विशेष करके 19 मार्च से 30 मार्च 2022 के मध्य। धनु राशि के जातक गुरु का मंत्र जाप करें, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शह गुरुवे नमः। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव होंगे तीसरे भाव में। सूर्यदेव का विचरण आर्थिक लाभ का योग बनाता है, लेकिन तीसरे भाव में सूर्य का ये गोचर, आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए और यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। साहस की वृद्धि होगी, धन प्राप्ति भी होगी। गोचर की शुरुआत में ही सेविंग्स में वृद्धि के योग बन रहे हैं। विदेशों से धन आय का योग बन रहा है और नए कामों से आपको लाभ के योग बन रहे हैं। बैंक से संबंधी काम अगर कोई महत्वपूर्ण आप करना चाहते हैं तो 15 मार्च से 19 मार्च के बीच कर लीजिए। 19 मार्च से 30 मार्च 2022 के मध्य एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में आपको लाभ के योग बन रहे हैं और 31 मार्च 2022 से 14 अप्रैल 2022 के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, धार्मिक क्रियाकलाप से लाभ, लोन की प्राप्ति। अगर आप बैंक लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको लोन की प्राप्ति होगी, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए विशेष फल इस गोचर के दौरान जो है वो ये है कि आपको आध्यात्मिक उन्नति होगी और ऐसी आध्यात्मिक उन्नति जो साधारण लोगों के वश के बाहर की बात हो सकती है। शॉर्ट में स्पिरिचुअल गेन और काफी हाई लेवल का स्पिरिचुअल गेन आपको होने जा रहा है। सूर्य का मंत्र जाप करें मकर राशि के जातक इस गोचर के दौरान, ओम श्री सूर्याय नमः, और सूर्य नमस्कार से अपने दिन की शुरुआत करें तो बहुत सी समस्याओं से बचे रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का विचरण होगा दूसरे भाव में, यानी द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में सूर्यदेव का ये विचरण आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। एक अज्ञात भय आपके मन में चलता रहेगा। 15 मार्च से 19 मार्च के मध्य हालांकि सेविंग्स में वृद्धि, धन प्राप्ति, इच्छा पूर्ति के योग भी बन रहे हैं। 19 मार्च से 30 मार्च 2022 के मध्य खर्च की अधिकता, हालांकि उन्नति कारक समय ये रहेगा आपके लिए, लेकिन मानसिक तनाव भी आपको झेलना पड़ेगा। और 31 मार्च 2022 से 14 अप्रैल 2022 के मध्य प्रेम संबंधों में सफलता, पुराना प्रेम संबंध आपके जीवन में वापस आ सकता है और पुरानी बहुत सी समस्याएं आपके सामने उभर कर आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभालने में भी कामयाब रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष फल जो है इस गोचर के दौरान, विदेश व्यापार में आपको उल्लेखनीय सफलता मिलेगी। आपका जीवन साथी यानी कुंभ राशि के जातकों का जीवन साथी किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है, उसका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप महिला हैं तो आपके पति देव का प्रमोशन होने वाला है। शनि देव का मंत्र जाप करने की सलाह दूंगा मैं कुंभ राशि के जातकों को, ओम शं शनिश्चराय नमः। और किसी बीमार व्यक्ति की, किसी अपंग व्यक्ति की अगर सेवा करने का मौका मिले तो आप जरूर करें। मीन राशि के मित्रों के लिए
सूर्यदेव होंगे प्रथम भाव में, और प्रथम भाव में सूर्यदेव का यह विचरण दाम्पत्य सुख में कमी करने का संकेत देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सेपरेटिव दशा अंतरदशाएं चल रही हैं, यानी सूर्य मंगल राहु केतु शनि ऐसे किसी ग्रह की दशा महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो दाम्पत्य जीवन में आपको ज्यादा तनाव झेलना पड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है इस गोचर के दौरान। गोचर की शुरुआत में ही आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे आप, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन झेलना पड़ सकता है। 19 मार्च 2022 से 30 मार्च 2022 के मध्य स्वास्थ्य लाभ, नौकरी में उन्नति के योग बनते हैं, लोन मिलने की संभावना भी बन रही, और 31 मार्च 2022 से 14 अप्रैल 2022 के मध्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विदेश व्यापार से लाभ, लेकिन दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन और कोई जमीन आप बेचने को बाध्य हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आपका है तो आप जमीन की खरीद फरोख्त से लाभ कमा भी सकते हैं, और इमरजेंसी में सस्ते में जमीन बेचकर पैसा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए जो स्पेशल विशेष फलादेश है, अगर आप नौकरी में हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है, स्वास्थ्य लाभ के योग भी हैं, और जितने भी विशेष फल मैंने बताए हैं यह सभी साधारण स्तर से ऊपर जाकर सफलता प्रदान करेंगे आपको। ये मेष से लेकर मीन राशि तक का विशेष फल बताने का जो प्रयास मैंने किया है, ये सभी राशि के जातकों के लिए उस विशेष क्षेत्र में और किसी खास मामले में आपको बहुत जबरदस्त सफलता देने वाले हैं। आपका हवाई जहाज नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला है। बृहस्पति का मंत्र जाप करें मीन राशि के जातक, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः। तो ये था सभी राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर फल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।